हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर द कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इन इथर्स आर पोलर एंड दथर्स नेट डाइपोल मोमेंट इथर्स में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है पोलर क्यों क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज्यादा होती है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है जिससे इनके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनका अपना नेट डाइपल मोवमेंट भी होता है इस पोलरिटी के कारण द वीक पोलरिटी ऑफ इथर्स डू नॉट अप्रिशिएटली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट विच आर कंपेरेबल टू दो एल्केन्स ऑफ कम्पेरेबल मोलिकुलर मासिस बट आर मच लोअर देन द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स अगर हम बात करें तो इथर्स की जो पोलरिटी होती है ये इनके बॉयलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करती तो इथर्स ले लिया हमने एल्केन्स ले लिया और एल्कोहल ले लिया इस और ये तीनों कंपेरेबल मोलिकुलर मास के हैं यानी इनका मोलिकुलर मास तीनों का लगभग बराबर है ऐसे हमने तीनों लिए इथर एल्केन और एल्कोहल तो इसमें क्या होता है इथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्केन के तो लगभग बराबर होगा लेकिन इथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से बहुत ज़्यादा कम होता है लेस होता है ऐसा क्यों क्योंकि जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि ईथर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एल्कोहल्स में जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया एल्केन लिया सी एस थ्री सी एच टू सी थ्री एक लिया ईथर सी एस थ्री ओ सी थ्री एक लिया एल्कोहल सी टू OH. एच फाइव ओ एच इन तीनों के एल्केन ईथर और एल्कोहल इन तो तीनों के जो मोलिकुलर मास है वो लगभग बराबर है लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स और एल्केन्स का तो लगभग बराबर सा ही होता है अगर इनका मोलिकुलर मास कंपेरेबल है लेकिन ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल से बहुत ज़्यादा कम होता है एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती यहां पर भी दिया गया है एन पेंटेन इथॉक्सीथेन और ब्यूटेनॉल इसमें देखिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है और इथर का और एल्केन का लगभग समान सा ही है एक जैसा ही है और एक बात आपको यह भी याद रखनी है इथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है जैसे जैसे इथर का मोलिकुलर मास इंक्रीज होता चला जाता है जैसे हमने लिया मिथोक्सी मिथेन सी एस थ्री और सी एस थ्री और एक लिया इथोक्स तो इसमें इसका बॉइलिंग मोलिकुलर मास बढ़ रहा है इसका मोलिकुलर मास कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका कम होगा सिंपल है और यहां पर वही दिया गया है कि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती द मिसिबिलिटी ऑफ इथर्स विद वाटर रिजेंबल दोल्कोहल्स ऑफ द सेम मोलिकुलर मास अगर वाटर में सोल्यूबिलिटी की हम बात करें तो एल्कोहल्स और इथर्स की लगभग एक जैसी होती है जो एल्कोहल्स लिया हमने और इथर लिया सेम मोलिकुलर मास के तो उनकी वाटर में सोल्युबिलिटी भी सेम होगी ऐसा क्यों

तो इथोक्सि इथेन यानी इथर और एल्कोहल इनकी जो वाटर में सोल्यूबिलिटी होती है वो लगभग दोनों की बराबर होती है 100 ml में 7.5 पॉइंट इथेन सोलिबल है और 100 ml वाटर में 9 ग्राम एल्कोहल सोलिबल है तो इसका मतलब दोनों की सोलिबिलिटी लगभग बराबर हुई दोनों का मोलिकुलर मास भी लगभग बराबर है लेकिन इन्हीं के मोलिकुलर मास का इन्हीं के बराबर मास का अगर हम एल्केन ले ले पेंटेन पेंटेन तो की वाटर में मिसिबिलिटी ना के बराबर है पेंटेन वाटर में बिल्कुल इमिसिबल है तो पता क्या चला ईथर और एल्कोहल वाटर में बराबर इमिसिबल है सोलिबिलिटी इनकी बराबर है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक एल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ इथर कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मोलिक्यूल एसोन दोनों की सोलिबिलिटी बराबर क्यों है ऐसा इसलिए क्योंकि एल्कोहल्स की तरह जो ईथर का जो ऑक्सीजन होता है वो भी वाटर के मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एल्कोहल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सोलिबिलिटी बढ़ेगी ऐसे ही इथर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जैसे आर ओ आर क्या है हमारा इथर है यहां पर ये यह हाइड्रोजन एच टू ओ एच ओ एच यानी वाटर का मॉलिक्यूल लिया ये एच ओ एच दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लिया तो क्या होता है इथर का एक ऑक्सीजन दो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है क्योंकि ऑक्सीजन ये यह हाइड्रोजन ये आपस में क्या कर लेते हैं हाइड्रोजन बोन्ड बना लेते हैं ऐसे ही ये ऑक्सीजन दूसरे वाटर के हाइड्रोजन मोलिक्यूल तो के साथ क्या करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो इथर भी इथर का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है इसलिए यह भी वाटर में ज्यादा सोल्युबल है